क्रेस्टफॉल शहर को देखते हुए एक पुरानी हवेली पहाड़ी पर खड़ी थी। यह एक विशाल भयानक इमारत थी जिसकी पत्थर की दीवारें टूट रही थीं और खाली अंधेरी खिड़कियां नीचे शहर को घूरती हुई प्रतीत हो रही थीं। स्थानीय लोग एक ऐसे परिवार के किस्से सुनाते थे जो इसकी दीवारों के भीतर ही खत्म हो गया था। उनकी आत्माएं हमेशा के लिए फंस गई थीं। ऐसा कहा जाता था कि हवा में उनके दर्द भरे रोने की आवाज सुनी जा सकती है, निराशा की एक सिहरन पैदा करने वाली धुन जो सबसे बहादुर व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी को भी कंपा देती है। सालों तक हवेली अछूती रही उस अंधेरे का प्रमाण जो उसके भीतर था। इसका कभी भव्य पहलू अब आईवी से ढका हुआ था जो उस क्षय का प्रतीक था जिसने इसे खा लिया था। लोहे के फाटक जंग खाए और टूटे हुए अपने टिका से खतरनाक रूप से लटके हुए थे। उन लोगों के लिए एक चेतावनी जो प्रवेश करने की हिम्मत करते थे। सामने के दरवाजे तक जाने वाला रास्ता मातम से ऊंचा हो गया था, जैसे कि प्रकृति खुद उस जमीन को पुनः प्राप्त करने की कोशिश कर रही हो जिस पर हवेली खड़ी थी। शहरवासी हर कीमत पर हवेली से बचते थे। उनका डर पीढ़ियों से चली आ रही कहानियों में निहित था। उन्होंने अजीब रोशनी और अंदर से निकलने वाली आवाजों के बारे में बताया और कुछ ने खिड़कियों से झांकते हुए भूतिया आकृतियों को देखने का दावा भी किया। हवेली डर का प्रतीक बन गई थी, एक ऐसी जगह जहां अंधेरा सर्वोच्च राज करता था। हालांकि रोमांच चाहने वालों और भूतों के शिकारियों के लिए हवेली एक प्रकाश स्तंभ थी जो उन्हें अज्ञात के अपने वादों के साथ आकर्षित करती थी। उनमें से चार दोस्त थे जो अलौकिक के प्रति अपने आकर्षण और रोमांच की प्यास से एकजुट थे। उन्हें कम ही पता था कि उनकी जिज्ञासा उन्हें हवेली के अंधेरे के दिल की यात्रा पर ले जाएगी, एक ऐसी यात्रा जो उनके साहस का परीक्षण करेगी और क्रेस्टफॉल की प्रेतवाधित हवेली की किंवदंती के पीछे के दुखद सत्य का खुलासा करेगी। चार दोस्त आकाश, प्रिया, रोहन और माया एक अच्छे डर के अपने प्यार के लिए जाने जाते थे। उन्होंने अपना दिन इंटरनेट पर प्रेतवाधित स्थानों की खोज में डरावनी कहानियां साझा करने और सुबह के समय तक डरावनी फिल्में देखने में बिताया। एक दिन अपसामान्य को समर्पित एक ऑनलाइन फोरम ब्राउज करते समय उन्हें क्रेस्टफॉल में छोड़ी गई हवेली के बारे में एक पोस्ट दिखाई दी। पोस्ट हवेली के प्रेतवाधित इतिहास के द्रुतशीतन खातों से भरा था। गवाहों ने बिना शरीर वाली आवाजें सुनने, वस्तुओं को अपने आप हिलते हुए और यहां तक कि पूरे शरीर के भूतों को देखने का वर्णन किया। दोस्त मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने पहले भी अपने उचित हिस्से के कथित रूप से प्रेतबाधित स्थानों का पता लगाया था, लेकिन कोई भी कभी भी उतना वास्तविक रूप से भयानक नहीं लगा था जितना यह। हमें वहां जाना होगा, आकाश ने घोषणा की। उसकी आंखें उत्तेजना से चमक रही थी। आकाश समूह का सबसे साहसी व्यक्ति था जो हमेशा सीमाओं को आगे बढ़ाने और पहले हाथ से अज्ञात का अनुभव करने के लिए उत्सुक रहता था। वह एड्रेनालाइन और अज्ञात के रोमांच पर फला फूला। समूह की संशयवादी प्रिया ने एक भौंक उठाई। उसने अगले व्यक्ति की तरह एक अच्छी भूत कहानी का आनंद लिया, लेकिन उसने हमेशा इन चीजों को संदेह की एक स्वस्थ खुराक के साथ देखा। चलो आकाश, आप इंटरनेट पर पढ़ी गई हर बात पर विश्वास नहीं कर सकते, उसने कहा। उसका स्वर मनोरंजन से सराबोर है। यह शायद कुछ किशोर हैं जो एक दूसरे को डराने की कोशिश कर रहे हैं। समूह का शांत पर्यवेक्षक रोहन शांत और मापी हुई आवाज में बोला, फिर भी यह एक साहसिक कार्य होगा, है ना? उसके पास एक बिंदु था। एक ऐसी हवेली में एक रात बिताने की संभावना के बारे में निर्विवाद रूप से आकर्षक कुछ था।
समूह की संवेदनशील माया कांप उठी। जब से उन्होंने हवेली के बारे में बात करना शुरू किया था, तब से जो बेचैनी की भावना उसे घेर रही थी, उसे वह नकार नहीं सकती थी। लेकिन वह यह भी जानती थी कि वह अपने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे सकती। ठीक है, चलो करते हैं, उसने कहा। उसकी आवाज फुसफुसाहट से मुश्किल से ऊपर है, और इसके साथ ही फैसला हो गया। उन्होंने अपने बैग पैक किए, अपना हौसला जुटाया और क्रेस्ट फॉल की यात्रा पर निकल पड़े, जो प्रेतवाधित हवेली के साये में उनका इंतजार कर रहा था, उसका सामना करने के लिए तैयार था। उसका सामना करने थी कि करने। जैसे ही सूरज ढलने लगा, ग्रामीण इलाकों में लंबी परछाइयां पड़ने लगी, दोस्त क्रेस्टफॉल के बाहरी इलाके में पहुंचे। शहर उनकी कल्पना से भी छोटा था। सड़कों पर सुंदर घर थे और हवा में नीरव शांति का एहसास था। लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, घर और भी विरल होते गए। उनकी जगह ऊंचे ऊंचे खेत और घने जंगल थे। प्रत्याशा के साथ हवा भारी हो गई और मौन केवल उनकी अपनी सांसों की आवाज से टूटा। अंत में वे उस पहाड़ी की तलहटी में पहुंचे जहां हवेली खड़ी थी। मंद रोशनी में भी इसके भव्य सिलहूट ने उनकी रीढ़ की हड्डी को कंपा दिया। एक बार चमकीला रंग अब फीका पड़ गया था और छील रहा था, जिससे नीचे की संरचना की नंगी हड्डियां दिखाई दे रही थीं। खिड़कियां खाली आंखों की तरह उन्हें घूर रही थीं, जिससे उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उन्हें देखा जा रहा है। अपना हौसला जुटाकर वे कार से उतरे। बजरी उनके पैरों के नीचे क्रंच कर रही थी। नम धरती और सड़ते पत्तों की गंध से हवा भारी थी। उन पर एक अनिष्ट की भावना छा गई, मानो वे किसी दूसरी दुनिया में कदम रख चुके हों। एक ऐसी दुनिया जहां जीवित और मृत के बीच का पर्दा पतला था। एक गहरी सांस लेते हुए आकाश ने ऊंचे रास्ते का नेतृत्व किया। उसकी टॉर्च इकट्ठा होते अंधेरे से कट रही थी। अन्य लोग पीछे पीछे चलते रहे। उनकी अपनी बत्तियां उनके चारों ओर घबराकर नाच रही थीं। जैसे ही वे सामने के दरवाजे पर पहुंचे, उनके कदमों की आवाज सन्नाटे से गूंज उठी, उनकी हर हरकत को बढ़ा दिया। जैसे ही आकाश ने उसे धक्का दिया, भारी लकड़ी का दरवाजा अशुभ रूप से चरमरा गया, जिससे एक गुफा जैसा प्रवेश द्वार दिखाई दिया। धूल के कण मंद चांदनी में नाचते थे, जो गंदी खिड़कियों से छनकर आती थी। हर कोने से कोबवे लटके हुए थे और सड़न की गंध से हवा भारी थी। उस पल में उन्हें पता था कि उन्होंने एक रेखा पार कर ली है। वे अब केवल जिज्ञासु पर्यवेक्षक नहीं थे, बल्कि उस स्थान पर अतिचारी थे जहां उनका स्वागत नहीं था।